पहला वाला प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स और शो दैट एफ ऑफ टू एक्स इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ऐसे शो करना है। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, इसमें पुट किया एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो ये आ गया एफ ऑफ टू एक्स, इधर आया टेन टू एक्स। टेन टू एक्स का फार्मूला है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ गलत लिखने में आया हुआ है, यहाँ माइनस चाहिए, और बस हो गया ये जो शो करना था। टेन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दो, वन माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये शो हो गए। दूसरा प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स है, इसमें थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, और शो करना है एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। पुट करो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स का पावर फोर, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, फाइव जैसे का वैसा, माइनस थ्री कॉस माइनस एक्स, प्लस जगह नहीं इसलिए नीचे लिखा, या इधर भी लिख सकते टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री कॉस माइनस एक्स यानी कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, लगे तो लिख के दिखा था माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, बस ये जैसे का वैसे ही आता। ये प्रॉब्लम इवन फंक्शन का है, ये बस जैसे का वैसा देख के लिखना है। टू साइन स्क्वायर एक्स निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता, और ये है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयर फॉर इट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ये दूसरा प्रॉब्लम था ऑड है कि इवन है वाला। तीसरा प्रॉब्लम है वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स दिया है, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का, और ये टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स इसका डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लो, निकालो मत निकालो मर्जी आपकी है, और ये जो भी कुछ आया फाइनल आंसर है, प्रोडक्ट रूल निकाला था। ये क्वेश्चन वन सी कुछ मेरे ख्याल से 2 मार्क के लिए पूछे वाई, ये भी 2 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 4 मार्क वाले क्वेश्चन चालू हो रहे। ये क्वेश्चन टू में का ए और 4 मार्क के लिए पूछे हुआ है। पहला सवाल एकदम फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, और आपके भी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कुछ भी नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने चैनल पर भी अपलोड करे हुआ है, इसके 2-3 बार अपलोड करे हुआ है। थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई स्क्वायर, 3a कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, 3x स्क्वायर, एक गलती हो गई बोलो क्या, यहाँ चाहिए डी वाई बाई डी एक्स करेक्ट, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, प्रोडक्ट रूल लगाया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसे का वैसा, 3a से मल्टीप्लाई करो, और इधर में फिर से 3a से मल्टीप्लाई करो, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड में ले लो और उसमें से कॉमन निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, बाकी की सब टर्म्स राइट में ले लो, या ऐसे ले ली बाकी की टर्म्स राइट में, और ये यहाँ से मिल गया डी वाई बाई डी एक्स 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax। आपको उन्होंने पूछा है 3a बाई टू डी वाई बाई डी एक्स एट 3a/2, 3a/2 फाइंड करो, तो ये जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ वहाँ आपको 3a/2 पुट करना है, 3a/2 3 3a/2
3a बाय 2 होल स्क्वायर, 3 3a बाय 2 होल स्क्वायर, सही है। आगे ये आ गया 9a स्क्वायर बाय 2, ये 9, ये 3 9a स्क्वायर बाय 4, ये 3 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस 9a स्क्वायर बाय 2। अब ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, तो 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18a स्क्वायर, ये आएगा 27a स्क्वायर, नीचे का ये 4 कट जाएगा 27a स्क्वायर, और यहाँ 4 18 माइनस 18a स्क्वायर। बस ये दोनों सेम ही है, आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा माइनस 1 आता, माइनस 9a स्क्वायर और ये 9a स्क्वायर कट गया माइनस 1, कंफर्म करो। अगला सवाल, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है, ऐसा बोला है डिफरेंशिएट साइन, साइन है कि सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, सही है। ये वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन 2 का बी, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू सेक इनवर्स, कंसिडर करो u, उसको सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बना डालो और पुट कर दो x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा आएगा साइन इनवर्स x, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और ये आ गया थीटा। व्हाट अबाउट थीटा बेटा, बोलो क्या है थीटा, देखो ये है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करो डी यू बाय डी एक्स आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके प्रॉब्लम में जो दूसरा फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स है, तो लेट v इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया तो वो भी वही आता, और आप समझदार हो, आपको क्या निकालना है, आपको du यू बाय dv निकालना है, उसका फार्मूला है du यू बाय dx अपॉन dv बाय dx, du यू बाय dx क्या है आपको पता है, dv बाय dx यहाँ आंखों से दिख भी रहा है, और मेरे को कंफर्म करने दो, हाँ ये सब कट जाते, आंसर आया 1। ये क्वेश्चन 2 का बी था, उसके बाद का ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा भी था यही y इज इक्वल टू, यानी ये है ना इसके जैसा शायद cos x प्लस cos x का पावर sin x, ये प्रॉब्लम ले ली है, बहुत कम स्टूडेंट ने सॉल्व करना चाहिए, यानी जो दो इजी थे वो करना चाहिए था, क्वेश्चन 2 सी किया है तो कोई गलत नहीं। लेट u इज इक्वल टू u ले लो फंक्शन टू द पावर फंक्शन, डायरेक्ट लॉग लिया तो रॉन्ग है, डायरेक्ट लॉग लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, u ले लो, अब log लो, log u इज इक्वल टू cos x log ऑफ sin x ऐसा आएगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई u du यू बाई डी एक्स कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ प्लस log ऑफ sin x, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। ये du यू बाई डी एक्स लिखा, इधर में u लिखा, और ये cos x log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस, ये फास्ट में ले हुआ है, आपको स्लो वाला वीडियो मिल जाएगा बाद में, एक बार का आप ये देख लो, ठीक है। ये हो गया, अब du by dx इज इक्वल टू ये u की जगह लिख दो sin x का पावर cos x, और ये cos x अपॉन साइन एक्स यानी कॉट एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और बस ये जो भी कुछ है ये फाइनल आंसर।
डी वाई डी एक्स, पर आपको निकालना है वी देवा है आपके प्रॉब्लम में, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, सही है। हाँ अब यहाँ ले लो, ये दूसरी चीज चल हो गई, यहाँ लॉग ले लो, लॉग वी इज इक्वल टू, ये ऐसा आ जाएगा साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, और अब डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उससे क्या होगा, वन अपॉन वी डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को छोड़ो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सही है। आगे डी वी बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू, ये इधर वी आ गया, ये साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये वी यानी कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, और ये माइनस, ये लिख दिया टेन एक्स, ऐसा भी कर सकते टेन एक्स इन टू साइन एक्स, माइनस का साइन दिया और कॉस को पहले, इसको पहले लिखा और लॉग ऑफ कॉस एक्स को बाद में लिखा, ठीक है। आगे लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और इसे पहले लिख लो इसको बाद में, तो ये डी वी बाय डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, ऐसे कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस टेन एक्स साइन एक्स, ऐसा। ये इम्पोर्टेंट नंबर दो, देखो आपका प्रॉब्लम था मेन ऐसा कुछ दिया था, मैं देखो सही हो क्या, हाँ क्वेश्चन पेपर सामने है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ये लेंथी प्रॉब्लम है, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, आपने इसे यू और उसे वी कंसिडर किया, डी वाई बाय डी एक्स होगा यदि निकाले तो, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, आपका निकाले हुआ डी, ये आपका निकाला हुआ डी यू बाय डी एक्स आपको देखना है, डी यू बाय डी एक्स ये है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स और कॉट एक्स कॉस एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन लॉग ऑफ साइन, माइनस साइन लॉग ऑफ साइन, ये आपका डी यू बाई डी एक्स है। डी यू बाई डी एक्स बेटा आपने निकाला ये यहाँ क्या है, वो कॉस एक्स का, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स और बचा हुआ कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस टेन एक्स साइन, ये जो है ये कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन टू का सी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है,